रात के 9 बज गए, और किसी एंगल से लग रहा है कि रात के 9 बज गए। यार हमारा प्लान बन चुका है एक नाइट आउट का, और नाइट आउट होगा यहाँ पर जंगल में। बियर किल करके यहाँ पर कोई जगह है, वहाँ पर जाएंगे हम। सॉरी, उसका नाम है किल बियर। लेकिन उससे पहले हमें करने पड़ेगी शॉपिंग। किस चीज की शॉपिंग होगी? टेंट खरीदने की। और कहाँ पर जा रहे हैं टेंट खरीदने? जो है मेरा सबसे फेवरेट ब्रांड डीकैथलॉन, सबसे सस्ता और सबसे टिकाऊ। ओवर एक्टिंग होगी मेरे को पता है, लेकिन चलते हैं डीकैथलॉन। तो मेरे पीछे सारे टेंट्स हैं, तो देखते हैं कौन से वाले टेंट लेना है। तो एक ये है 75,000। क्या बोला तूने? $75 का। और ये अच्छा है यहाँ पर, मतलब सही है, स्पेशियस भी है। तो सिंगल बंदे के लिए तो ये आई गेस एनफ होगा। ये पसंद तो मेरे को ये वाला आया था, जो कि था $230 का, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। और ये भी बहुत एक्सपेंसिव है यार, ये है अराउंड $180 का। बहुत कन्फ्यूजन है, लेकिन मेरे ख्याल से हम लेंगे $75 वाला, बहुत ज़्यादा। तो भैया ग्लासेस भी हो गए, अब चलते हैं सीधा पैकिंग करने। डे टू, शॉपिंग डन, पैकिंग डन, अब छोटा मोटा सामान लेके निकलते हैं। यार मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ अपनी चीज़ों के साथ। और मैंने कैंपिंग कभी करी नहीं पहले, तो ये मतलब जाते रहते हैं, तो जो जी है जी बोलेंगे वो मैं करूँगा। अभी बेसिकली हमको सामान लेने हैं यहाँ पर कल के ब्रेकफास्ट के लिए, चलते हैं फिर देखते हैं। तो यार हम अपनी जगह पे तो पहुंच गए हैं, जगह देख रहे हैं कि फ्लैट सरफेस कहाँ पर है, वो वहाँ पर टेंट लगा रहे हैं। जगह सही है, बाकी लोग भी आ रखे हैं यहाँ पर, जैसे ये लोगों ने टेंट लगा रखा है और वो जो सामने है ना वो लेक है। अब बकवास करते हैं बंद और टेंट लगाना चालू करते हैं। टेंट लगाने का सारा काम हो चुका था, अब हम सीधा जा रहे थे लेक के पास। तो जा रहे बीच के पास,
बहुत ही ज़्यादा धूप है। बहुत ही ठंडा पानी है भाई, बहुत ही ठंडा पानी है। लाइफ जैकेट पहनने का मन नहीं था क्योंकि बीच ही तो है, मतलब ज़्यादा अंदर स्विम थोड़ा करने जा रहे हैं, लेकिन मेरी जीजू ने बोला कि लाइफ जैकेट पहननी कंपलसरी है यहाँ पर। जो जिया जी बोलेंगे वो मैं करूँगा, समझ गया ना। चलो थोड़ा सा स्विम करते हैं। बालों की हमेशा की तरह माँ बहने की हो चुकी है। It was at this moment that he knew he fucked up. तो अभी खाना बनाने की तैयारी हो रही है। हर बार ये अटेम्प्ट करने के बाद अब मेरे ख्याल से चल जाएगा। क्या कहते हो जीजू? आ गया भाई, चल गया। क्या बात है, मुबारक है। ब्रेड, आलू टिक्की, पनीर और ये कल के लिए कीवी, थोड़ा सा है योगर्ट। खाना खत्म होते ही हम सीधे चले गए इस लेक के पास सनसेट देखने के लिए। टाइम हो रहा है रात के 9 बज गए और किसी एंगल से लग रहा है कि रात के 9 बज गए, तो ट्राई करते हैं 9:30 बजे तक सारे सो जाएं और अपने टेंट में चले जाएं क्योंकि भालू कभी भी आ सकता है। भाई लाइटें लगा रखी है भाई यहाँ पर तो किसी ने, फुल ऑन। तो 10 बज गए हैं। ओके गुड नाइट, कल सुबह बात करते हैं। सुबह के 7:15 हो गए और सनराइज भी हो गया। I just want to share my experience कि कैसा था मेरा कैंपिंग करने का पहली बारी। पहले बहुत ज़्यादा डर था कि कोई इंसेक्ट ना आ जाए, सांप ना आ जाए, बियर वियर ना आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नींद की बात करते हैं, अगर आप कैंपिंग करने आ रहे हैं टेंट तो अच्छा लो साथ में। एक नाइफ रखा हुआ था मैंने, पानी की बॉटल ताकि बाहर ना जाना पड़े बार बार। एक में बस ये वाली लाइट थी और हाँ ये वाली लाइट, सबसे इम्पॉर्टेंट पावर बैंक। पावर बैंक ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी तो है, वो बेसिकली स्लॉट में इंक्लूडेड होता है। इलेक्ट्रिसिटी पोर्च चाहिए कि नहीं चाहिए, तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी पोर्च वाला नहीं था। एक ये पिलो जो बिल्कुल काम नहीं आया, ये सिर्फ फ्लाइट में काम आता है। नॉर्मल पिलो जो घर पर लेते वो ले खाना चाहिए। सामान मैंने यहाँ रख दिया था अपना सारा, तो मैं आपको बता दूँ मैं रात को सोया कैसे। कंबल लेके आना बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे करके सोया था। कुशन्स बहुत ज़्यादा छोटे पड़ गए थे मेरी हाइट के अकॉर्डिंग, अनइवन लग रहा था, जैसे पैर नीचे लग रहे थे ज़मीन पर। अगर आप प्रॉपर बेडिंग हो तो फिर मैं ऐसे करके सो सकता हूँ। तो साथ में आप लेके आइए ये वाले बेड, इनको हवा से भर सकते हैं आराम से और ये सेटल डाउन हो जाते हैं आराम से और ये इवन रहते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप चाहते हैं कि आपके टेंट में कोई इंसेक्ट ना आए तो आपको सिर्फ हमेशा बंद करनी पड़ेगी किसकी, टेंट की। जब आप जा रहे हैं जिप बंद करिए टेंट की, जब आप आ रहे हैं जिप बंद करिए टेंट की, क्योंकि अगर एक मच्छर भी घुस गया अंदर तो पूरी रात खराब हो जाती है उस मच्छर को मारने में। और अगर कोई स्पाइडर चली गई अंदर फिर तो भैया खत्म। और भी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं यहाँ पर, जैसे कि वॉशरूम्स हैं और वॉशरूम क्लीन है और यहाँ पर आपको फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर मिल जाएगा। जनता बहुत है यहाँ पर, कभी कैसे फील नहीं होगा कि आप अकेले हो यहाँ पर। बालू आएगा तो जनता भाग जाएगी इधर उधर। तो अब चलते सीधा ब्रेकफास्ट करने के लिए और फिर वहाँ से निकलेंगे हम बीच।
पैकिंग शेकिंग करने के बाद हम सीधा निकल गए दूसरे पॉइंट पे, वहाँ पर एक और बीच था, वहाँ पर हमने ट्राई करा कि हम वहाँ पर बोटिंग करें। मैंने तो बोटिंग करी नहीं, बोटिंग सिर्फ जीजू ने करी थोड़ी सी। वहाँ पर एक और टूरिस्ट अट्रैक्शन था, एक वहाँ पर पेड़ था जो 100 साल पुराना था, उसको हम देखने गए थे। Thank you so much for watching. Next video. Okay, bye.